हाय, वेलकम टू क्वालिटी कंसेप्चुअल। फ्रेंड्स, हमारे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स। हमारी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बट और फिलेट वेल्ड के जॉइंट नोमेनक्लेचर के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेल्ड जॉइंट के डिफरेंट टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स जो हमारी वेल्ड क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ वेल्ड जॉइंट्स। इसमें फ्रेंड्स हमने जाना कि वेल्ड जॉइंट्स क्या है, कि जब हम किसी दो मेटलिक पार्ट को आपस में नज़दीक लगा के उनको परमानेंटली ज्वाइंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग, तो जो उनको एक बेसिक अलाइनमेंट में रखने की जो प्रोसेस है, एक स्पेसिफिक पोजीशन पर रख के वेल्ड करने की जो प्रोसेस है, वो स्पेसिफिक पोजीशन को हम वेल्ड ज्वाइंट प्रिपरेशन के नाम से जानते थे, जिसमें हमने डिस्कस किया कि वेल्ड ज्वाइंट के कितने टाइप रहते हैं। इसमें हमारा 5 टाइप के जो बेसिक वेल्डिंग ज्वाइंट थे वो हमने डिस्कस किया। इसमें पहला था हमारा बट ज्वाइंट, जिसमें हमें दो मेटलिक पार्ट को सेम प्लेन में रख के उनको वेल्डिंग करना होता है। सेकंड वन टी ज्वाइंट, जिसमें हमारे दो मेटलिक पार्ट एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे थे, परपेंडिकुलर थे। थर्ड वन इज लैप ज्वाइंट, जिसमें हम दो मेटलिक पार्ट को आपस में लैप करवाते थे और उसको वेल्डिंग करते थे, तो ये हमारा लैप ज्वाइंट था। एंड फोर्थ वाज आउटसाइड कॉर्नर ज्वाइंट, जिसमें हमें किसी दो मेटलिक पार्ट के आउटसाइड कॉर्नर्स को हमने वेल्ड की सहायता से ज्वाइन किया था, तो वो जो प्रोसेस थी उसको हम बोलते थे आउटसाइड कॉर्नर ज्वाइंट। एंड लास्ट वन एज ज्वाइंट, जिसमें हम मेटलिक पार्ट के जो दो सर्फेसिस हैं, जिसमें कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, तो इस तरह से जो एजेस को रखने की और उनको वेल्ड करने की जो प्रोसेस थी, इसको हम वेल्डिंग एज ज्वाइंट टाइप इसको हम बोलते थे। तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे वेल्ड ज्वाइंट के नोमेनक्लेचर को, कि जब हम वेल्ड करते हैं उस पर्टिकुलर ज्वाइंट पे, तो उसके कौन कौन से डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है और जो हमारी वेल्डिंग की करेक्टरिस्टिक को इफेक्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब उसको जान लेते हैं। सबसे पहला फ्रेंड्स हमारा कि बेस मेटल क्या होता है। बेस मेटल मीन्स कि वो मेटल जिसको हम वेल्ड शोल्डर या बेस्ड प्रोसेस की सहायता से फ्रेंड्स ज्वाइन करते हैं, उसको बोलते हैं बेस मेटल। तो जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है, यहाँ पर हमारा ए और यहाँ पे बी, ये दो मेटलिक पार्ट हैं जिसको हमने वेल्ड प्रोसेस की सहायता से यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो ये जो दो मेटलिक पार्ट हैं जिनको हमें ज्वाइन करना होता है या जो इसको हम ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेल्ड, इसको बोलते हैं बेस मेटल। नेक्स्ट वन इज रूट ओपनिंग। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है फ्रेंड्स बेस मेटल के बीच में जिनको हमें ज्वाइन करना होता है, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को की जो पोजीशन है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, इस डिस्टेंस को फ्रेंड्स हम बोलते हैं रूट ओपनिंग। नेक्स्ट वन इज रूट फेस। फ्रेंड्स जो हमारी रूट ओपनिंग रहती है, तो उसके एडजेसेंट जो ये सरफेस पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया गया है, ये हमारी फ्रेंड्स रूट ओपनिंग थी। इसके एडजेसेंट जो ये ग्रीन, यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया इसको ग्रीन कलर से, जो ये हिस्सा है, ये फेस है, इसको हम बोलते हैं रूट फेस। और ये जो डिस्टेंस है फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं रूट फेस हाइट। नेक्स्ट वन इज फ्यूजन जोन। फ्रेंड्स वेल्डिंग जो जोन है उसका वो हिस्सा जो कि वेल्डिंग के दौरान वेल्ड मटेरियल के साथ पिघल जाता है, उसको बोलते हैं फ्यूजन जोन। जैसे कि आपको इस पर्टिकुलर इमेज में दिखाया गया है, ये हमारा बेस मेटल वन है, ये हमारा बेस मेटल टू है, तो ये जो हिस्सा फ्रेंड्स जिसको हमने येलोइश करके दिखाया है यहाँ पे, ये हमारा वेल्ड नगर है, तो ये येलोइश हिस्सा है, ये जब हम वेल्डिंग करते हैं तो ये पिघल के वेल्ड नगर के साथ मर्ज हो जाता है, तो वो हिस्सा बेस मेटल का जो कि वेल्डिंग करने के साथ पिघल कर वेल्ड मटेरियल के साथ मर्ज हो जाता है, उसको बोलते हैं फ्यूजन जोन, मतलब वो फ्यूज्ड हो गया ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज वेल्ड फेस। फ्रेंड्स वेल्ड नगट का वो हिस्सा जो हमें दिखाई देता है, जिस साइड से हम वेल्ड करते हैं उसको हम वेल्ड फेस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे दो मेटलिक पार्ट हैं जिसको हम बेस मेटल बोलते हैं, बेस मेटल वन एंड बेस मेटल टू, तो हमने यहाँ पे इन दोनों को साइड बाय साइड वी ग्रू रखे यहाँ पे वेल्डिंग की हुई है, तो ये रेड जो कलर है हमने दिखाया है, ये हमारा
वेल्डिंग पोर्शन है और ये जो वेल्ड का जो अपसाइड हिस्सा है ऊपर का जो हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि इस साइड से हमने वेल्ड किया है तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स हम वेल्ड फेस। यहाँ पे हमने वेल्ड फेस का जो हाइट है बेस मेटल से उसको डेल्टा एस से हमने यहाँ पे दिखाया है। नेक्स्ट वन इज हीट इफेक्टेड जोन। फ्रेंड्स जब हम वेल्डिंग प्रोसेस करते हैं किसी दो मेटलिक पार्ट पे तो जहाँ पर हमारा वेल्डिंग पोर्शन रहता है उसके आसपास का जो हिस्सा है जैसे कि हमने यहाँ पर ग्रीन डॉटेड लाइन से दिखाया वो रेड हॉट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उसकी मेटलर्जिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये जो हिस्सा है जो कि इफेक्ट होता है हीट से ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस उसको बोलते हैं हीट इफेक्टेड जोन। नेक्स्ट इज वेल्ड जोन। फ्रेंड्स जो हमारा वेल्ड मटेरियल है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा वेल्ड मटेरियल है यहाँ पे हमने वेल्डिंग प्रोसेस की है प्लस जो हमारा हीट इफेक्टेड जोन है जो कि हमारे यहाँ पे ग्रीन डॉटेड जो हमने लाइन लगाई है उसके बीच में हमें ये दिखाई देता है ये जो जिसकी मेटलर्जिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस। तो वेल्ड फेस या वेल्ड जोन या वेल्ड मटेरियल प्लस हीट इफेक्टेड जोन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये वेल्ड था और यदि मैं इससे एक्स डिस्टेंस पे ये हमारा हीट इफेक्टेड जोन है ये हमारा वेल्ड। तो ये टोटल जो जोन है फ्रेंड्स जिसमें हमारा वेल्ड मटेरियल प्लस हीट इफेक्टेड जोन है उसको बोलते हैं हम वेल्ड जोन। नेक्स्ट वन इज वेल्ड टॉय। फ्रेंड्स जो हमारा वेल्ड फेस है और जो हमारा बेस मेटल है उनकी जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं वेल्ड टो। मीन्स यहाँ पे हमने दो बेस मेटल आपको दिखाए हैं ये हमारा वेल्ड नगेट है तो ये जो बाउंड्री है फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो दिखाया है ये जो बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं वेल्ड टो। फ्रेंड्स ये सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है किसी भी वेल्ड पोर्शन का क्योंकि यहाँ पे जो हमारे स्ट्रेस फैक्टर हैं स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं और जो क्रैक जैसे डिफेक्ट हमारे इसी एरिया से फ्रेंड्स जनरेट होते हैं। नेक्स्ट वन इज बेवल एंगल। द एंगल एट विच सिंगल प्लेट इज प्रिपेयर्ड जिसमें फ्रेंड्स हम अपनी सिंगल प्लेट को प्रिपेयर करते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल पे इसको इस तरह से हम एक पर्टिकुलर एंगल पे मेक करते हैं तो ये जो एंगल है फ्रेंड्स इसको हम बोलते हैं बेवल एंगल। और जो दो पर्टिकुलर बेस मेटल रहते हैं जिससे हम अपने ज्वाइंट प्रिपेयर करते हैं विद ए लिमिटेड डिस्टेंस एक दूसरे से रख के तो ये जो टोटल एंगल बनता है जो कि दो प्लेट का हमारा प्रिपेयर्ड एंगल है उसको बोलते हैं इंक्लूड एंगल। नेक्स्ट वन इज इंक्लूड एंगल जो हमने डिस्कस कर लिया अभी ये हमारा बेवल एंगल। यदि हम सिंगल प्लेट के पर्टिकुलर फेस एंगल को काउंट करेंगे तो उसको बोलते हैं बेवल एंगल और जो हमारे टोटल जो दो प्लेट का एंगल रहता है उसको हम बोलते हैं इंक्लूड एंगल। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा फिलेट ज्वाइंट। फिलेट ज्वाइंट क्या है फ्रेंड्स ये प्रोसेस है किसी दो मेटलिक पार्ट को जोड़ने की जब उनको 90 डिग्री एंगल पे हम रख के कोई वेल्डिंग प्रोसेस करते हैं तो उसको बोलते हैं फिलेट ज्वाइंट। इसमें कौन कौन से फ्रेंड्स एस्पेक्ट्स हैं पहला हमारा वेल्ड लेंथ या वेल्ड लेग ये फ्रेंड्स डिस्टेंस होती है ज्वाइंट रूट और टो ऑफ द वेल्ड के बीच की। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया हमारा दो मेटलिक हमारे पार्ट हैं इसमें पहली हमारी प्लेट है मेटल प्लेट है ए सेकंड वन इज बी और यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे वेल्ड किया हुआ जो कि 90 डिग्री पे यहाँ पे हमने इसको दिखाया है। अब फ्रेंड्स ये हमारा टो है जो कि बेस मेटल और वेल्ड नगल के बीच की बाउंड्री है। तो फ्रेंड्स ये हमारा जहाँ पर दो हमारे मेटलिक पार्ट हमने रखे हैं ज्वाइंट करते हैं प्रिपेयर करते हैं उसको रखते हैं तो वो हमारा कहता है ज्वाइंट रूट। तो ज्वाइंट रूट और टो के बीच की फ्रेंड्स जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं लेग या वेल्ड लेंथ। और आप देख सकते हैं इसमें हमने दो मेटलिक पार्ट को 90 डिग्री एंगल पर रखा है इस तरह से 90 डिग्री एंगल पर फ्रेंड्स हमने इसको रखा है और ये जो हमारा ज्वाइंट रूट था और ये हमारा टोई थी इसकी बीच की जो डिस्टेंस है फ्रेंड्स उसको हम बोलते हैं वेल्ड लेंथ या लेग वेल्ड लेग। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा वेल्ड रूट। वेल्ड रूट वो क्या होता है फ्रेंड्स जो हमारी वेल्ड है वेल्ड नगेट है उसके जो अपोजिट साइड है जो पॉइंट है जो कि डीपेस्ट पेनिट्रेशन रहता है हमारे बेस मेटल में उसको बोलते हैं फ्रेंड्स हम वेल्ड रूट। और वेल्ड रूट और हमारा जो ज्वाइंट रूट है जहां पर हमारे दो मेटलिक पार्ट ज्वाइंट करते हैं ये जो पॉइंट है इसके जो बीच की जो हमारी डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रूट
पेनिट्रेशन कि इसको कितना हमने इस हमारा जो पेनिट्रेशन है वो कितना हुआ है ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस, उसको बोलते हैं रूट पेनिट्रेशन। नेक्स्ट वन इज वेल्ड फेस, जैसे कि हमने फ्रेंड्स हमारे बट ज्वाइंट में भी हमने डिस्कस किया था वेल्ड फेस क्या होता है, जिस साइड से हम वेल्ड करते हैं जो वेल्ड का एरिया हमें दिखाई देता है उसको बोलते हैं वेल्ड फेस, या हाइपोटन्यूज जो हमें दिखाई देता है। अभी हाइपोटन्यूज क्या है, किस टर्म में बोलते हैं फ्रेंड्स हम, जैसे कि ये हमारा बेस मेटल ए है, ये हमारा बी है, हमने यहाँ से यहाँ पे इन दोनों के बीच में इनको 90 डिग्री पर रख के यहाँ पे हमने वेल्डिंग की, तो ये हिस्सा है जो फ्रेंड्स हमारा, इसको हम वेल्ड फेस बोलते हैं। ये जो हमारा हिस्सा है जिसको हमने यहाँ पे रेड किया हुआ है इसको बोलते हैं वेल्ड फेस। नेक्स्ट वन इज वेल्ड थ्रोट, वेल्ड थ्रोट क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारे दो मेटलिक पार्ट को ज्वाइन करने से और वेल्ड करने से जो एक ट्रायंगल बनता है फ्रेंड्स में, और उस हाइपोटन्यूज जो कि दो बेस मेटल के जो टॉप पॉइंट है उसको मिलाने से बनता है, उसके जब हम हमारे ज्वाइंट रूट से परपेंडिकुलर डालते हैं और वो जो डिस्टेंस रहती है उसको हम बोलते हैं वेल्ड थ्रोट। आइए उसको डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे हमारा बेस मेटल ए था, यहाँ पे बेस मेटल बी है, और हमने यहाँ पे फिलेट वेल्ड की है यहाँ पे इस टाइप में। अब इन दो टॉप पॉइंटों को हमने यहाँ पे ज्वाइन किया, इसको हम एक्स वन और एक्स टू नाम देते हैं। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल का फ्रेंड्स ये एक हाइपोटन्यूज है, और इससे जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं इस पॉइंट पे 90 डिग्री पे, तो ये जो ज्वाइंट रूट और इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच की जो दूरी है फ्रेंड्स उसको बोलते हैं वेल्ड थ्रोट। जैसे कि इसमें दिखाया है, हम आपको इलेबरेट करके दिखाते हैं। जैसे कि हमारा बेस मेटल का ये हिस्सा था, ये हमारा टॉप पॉइंट था, और ये हमारे सेकेंड बेस मेटल का हमारा टॉप पॉइंट था। तो इन इस तरह से हमारा एक ट्रायंगल बनता है, और ये इन दो पॉइंटों को जोड़ने पे हमें एक हाइपोटन्यूज मिलता है। अब इसको हम परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें मिलता है ये, मैं इसको क्या मानता हूँ फ्रेंड्स, इनको बी पॉइंट मानूँ और इसको ए पॉइंट मानूँ, तो ए बी मेरा वेल्ड थ्रोट है यहाँ पे। वन मोर पॉइंट फ्रेंड्स जो हमें अभी डिस्कस करना है कि फिलेट वेल्ड को हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। इसके बेसिकली तीन टाइप हैं। पहला टाइप है हमारा मीटर पॉइंट, इससे फ्रेंड्स इसमें एक जो हमारी वेल्ड की जो शेप है, वेल्ड नगट की जो शेप है वो ट्रायंगल शेप में रहती है। सेकंड वन इज कॉनकेव, इसमें हमारे जो वेल्ड की नगट की शेप है वो हम कॉनकेव यहाँ पे बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव फिलेट ज्वाइंट। एंड थर्ड वन इज कॉनवेक्स, जिसमें हमारे जो वेल्ड नगट है उसकी जो शेप रहती है फ्रेंड्स, वेल्ड बीड की शेप हमारी कॉनवेक्स रहती है, इस तरह से बाहर उभरी हुई रहती है। तो ये तीन टाइप की जो फिलेट ज्वाइंट है हमें जनरली देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट लर्निंग सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बट वेल्ड के ड्राइंग सिंबल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो तब तक जुड़े रहिए हमारे ऑनलाइन लर्निंग ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म क्वालिटी कंसेप्चुअल के साथ। धन्यवाद।